गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल कुमार। और आज हम क्या करेंगे, आज जो किरण की बुक है इंग्लिश की, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर जो भी वोकैब के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एंटोनियम्स सिनोनियम्स, तो आज हम सिनोनियम्स करेंगे। साथ में हम इस ये जो बैच मैंने शुरू किया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और इसमें जो हम ईडियम और फेजेस हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी कवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो फर्स्ट राउंड है इसमें हम सिर्फ अभी सिलेबस कवर करेंगे, जो तीन टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सिर्फ हम इनको ओवर थ्रू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक महीने में सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फिर से हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम अभी अप्रैल और मई में है, तो तब तक हम जो है पूरा ये जो तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये हम इनको तीन से चार बार रिवाइज़ कर लेंगे। मैं खुद भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैं एज अ टीचर आपको मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो साथ के साथ हम रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं अभी करंटली जो हूँ गवर्नमेंट बैंक में वर्किंग हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए होगी क्योंकि मुझे थोड़ा बैच के बारे में बताना भी था, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना था आपको चीज़ों से। और हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इंग्लिश में थोड़ा मैं एक मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम से रहा है, तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं मुझे एज है। मैं खासकर उन बच्चों को बोलूँगा जिनका बैकग्राउंड जो है हिंदी मीडियम से है। तो देखो, इंग्लिश को जो है आप अगर रूल के हिसाब से जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हिंदी के जैसा नहीं है। हिंदी में क्या होता है कि अगर कोई एक रूल है तो वो एक जनरल रूल है जो सब जगह अप्लाई होगा। इंग्लिश में क्या होता है कि एक रूल एक जगह तो अप्लाई होता है लेकिन दूसरी जगह वो रूल ही अप्लाई नहीं होता है, तो इससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए इंग्लिश जो है हमें थोड़ी टफ लगती है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्या करूँ आप, कि इंग्लिश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, पहले तो आप रीडिंग करो रोज़ 10 से 15 मिनट, वो एटलीस्ट रीडिंग तो करनी ही है। रीडिंग स्किल्स तो आपके अगर अच्छे होंगे तो आप जो ग्रामर पोर्शन है उसको ईजिली कर लोगे बिना रूल्स के भी, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में कि कैसे रीडिंग जो है हमें बिना ग्रामर के रूल्स के भी हम एरर डिटेक्शन और वो सब जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो कितने इजीली कर सकते हैं। मुझे कोई रूल नहीं आते लेकिन फिर भी मुझे आप कहोगे क्लोज टेस्ट करने के लिए तो मैं 90% स्कोर कर सकता हूँ क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो हाँ, अगर आप बैंकिंग के बच्चे हो तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, ये सिर्फ SSC और रेलवे और NDA CDS जो भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे इस तरह से पूछे जाते हैं उन्हीं के लिए है वीडियो। बैंकिंग के लिए अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ आप रीडिंग स्किल्स पे ही वर्क करो, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड हम लेंगे नॉक्शियस, ठीक है। अच्छा, नॉक्शियस का मीनिंग क्या होता है, नॉक्शियस का मीनिंग होता है हार्मफुल, ठीक है। कोई भी चीज़ जिससे हमें खतरा हो, जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे आप एक टाइगर है तो उसको एक नॉक्शियस एनिमल बोल सकते हो, मतलब वो आपको हार्म कर सकता है, आपको नुकसान कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड लेते हैं हेराल्ड। हेराल्ड का क्या मीनिंग होता है, देखो हेराल्ड का मीनिंग होता है मैसेंजर। अच्छा, आप सोचोगे कि मैसेंजर क्या होता है, देखो मैसेंजर क्या होता है कि पुराने टाइम में जब ये व्हाट्सएप और ये सब सिस्टम था नहीं, ना तब पोस्ट होती थी ना कुछ होता था, तो जो मैसेज है जो संदेश है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाया जाता था, वो पहुंचाया जाता था मैसेंजर के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में राजा महाराजा एक दूत भेजते थे एक राजा को या दूसरे राजा को संदेश भेजने के लिए, तो उसको मैसेंजर कहते हैं, ठीक है। वो पर्सन, वो आदमी जो एक मतलब एक संदेश वाहक का काम करता है उसको हम मैसेंजर बोलते हैं। अब आप हेराल्ड को कैसे याद कर सकते हो, देखो हेराल्ड का मतलब बता दिया मैंने को क्या होता है मैसेंजर। हेराल्ड से हार्ले डेविडसन एक बाइक है, ठीक है, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। अब बाइक पे बैठ के आदमी कहाँ जाता है, क्या करने जाता है, वो मैसेज देने जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसको आप याद कर सकते हो। अगला वर्ड है एक्सपेंडेबल।
एक्सपेंडेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप मान लो ये इतनी है, तो अगर आप इसको खींचो तो ये और एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। जैसे रबड़ होता है तो वो एक्सपेंडेबल होता है, उसको आप खींचोगे तो वो और खींचेगा, मतलब एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल का यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वो बनता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जो लचीली चीज़ होती है, अब आप लचीली चीज़ को खींचोगे तो वो क्या खींच जाएगी यानी एक्सपेंड होगी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वर्ड था। अगला वर्ड है लेजरली। लेजरली का आप मीनिंग आप कह सकते हो आरामदायक, मतलब लेजरली लाइफ। जैसे ये मोस्टली यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो बहुत ही मतलब अच्छे, जो रिच पर्सन होते हैं मोस्टली उनके लिए यूज़ होता है, जो ऐश और आराम से ज़िंदगी जीते हैं। अब लेजरली और लेज़ी में थोड़ा अंतर है, ठीक है। लेज़ी वो होता है जो आलस होता है, ठीक है। लेजरली को आप आलस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक गरीब आदमी जो है वो लेज़ी हो सकता है लेकिन वो लेजरली नहीं लाइफ जी सकता है, ठीक है। शान व शौकत आराम से वो लाइफ नहीं जी सकता है। ये लेजरली वर्ड जो मोस्टली है आप अमीर लोगों से एसोशिएट होता है, ठीक है। लेज़ी और लेजरली में ये अंतर है। तो लेजरली यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन, क्या आंसर बनेगा, वो बनेगा रिलैक्स्ड, ठीक है। रिलैक्स का मीनिंग आप सबको पता होगा। तो लेजरली का एक बार मैं मीनिंग फिर से बता देता हूँ। लेजरली का मतलब होता है आरामदायक, सुख सुविधाओं से भरा जो जीवन होता है किसी का, ठीक है, बहुत ही आरामदायक या शान और शौकत से जीना। अगला वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस, जैसे हम यूज़ करते हैं एन एमिनेंट साइंटिस्ट, ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन, उसको हम कहते हैं एमिनेंट। अब इन ये जो ऑप्शन है इसमें इसका आंसर होगा प्रोमिनेंट, क्योंकि प्रोमिनेंट का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेमस या इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होना, तो ठीक है उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे इसका एमिनेंट का मीनिंग हो जाएगा प्रोमिनेंट। अच्छा, कमेंट्स का क्या मतलब होता है, कमेंट्स का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ को जो है शुरू करना, स्टार्ट करना। तो ये बहुत इजी हो गया हमारे पास, स्टार्ट का मीनिंग सबको पता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला ऑप्शन है असर्ट। असर्ट का लिटरल मीनिंग मतलब रियल मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग होता है असर्ट का कि किसी को आप जो है बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में जो है अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते हो। थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है, सॉरी। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या होता है, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको पता है वो पैसे उधार मांग रहा है आपसे, आपसे उधार पैसे मांगता है वो, लेकिन आपको पता है कि वो जो है कभी पैसे लुटाता नहीं है, वापस नहीं करता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेशक आपके पास पैसे होते हैं जेब में, लेकिन हम यहाँ वहाँ की गोलमोल बातें करते हो कि यार मेरे पास तो नहीं है, मेरे को ज़रूरत है, अभी तो नहीं दे सकता, ये वो, ठीक है। लेकिन एसर्ट में क्या होता है, एसर्ट में आप साफ साफ बोल देते हो भाई मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, पिछली बार भी मैंने तुझे दिए थे और तूने जो है मेरे पैसे लुटाए नहीं, तो मुझे भरोसा नहीं है तेरे पे, तू पैसे लुटाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सच तो यही था कि आप उसको पैसे नहीं देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन पहले आपने क्या किया था, बातों को घुमाया था। यहाँ पे एसर्ट में क्या किया आपने, उसको साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि तू पैसे नहीं लुटाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो एम्फसाइज होगा, थोड़ा सा ये आंसर जो है डाइसी है, मतलब अटपटा है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि देखो ऑप्शन के हिसाब से एसर्ट का मीनिंग एम्फसाइज ही बैठता है, क्योंकि एम्फसाइज का मीनिंग होता है किसी बात पे जोर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हो ट्रिकी है, लेकिन अगर आपको एसर्ट का मीनिंग पता हो तो होगा तो आप ज़रूर देखो, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो कुछ मैच नहीं खाते, तो उस हिसाब से जो है एम्फसाइज का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं हम। अच्छा, जो ये जो वर्ड है आज हम यहाँ से लेके सिर्फ जो है यहाँ टिल्ट तक ही करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है कंबरसम। अच्छा, कंबरसम का मीनिंग क्या होता है, कंबरसम का लिटरल मीनिंग होता है कोई सी चीज़ या कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो जिसको उठाना या कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब वो बहुत ही भारी होता है, इतना भारी होता है कि उसको उठाना या कैरी करना बहुत एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल होता है। तो इसका मीनिंग तो यहाँ पे हम साफ साफ लगा सकते हैं हैवी। अब हैवी का मीनिंग तो सबको मालूम है, ठीक है। अगला वर्ड लेंगे हम इलैप्स्ड। इलैप्स्ड का असली मीनिंग होता है कि किसी चीज़ से आप जो है गो थ्रू करना, मतलब गो थ्रू नहीं, आप किसी चीज़ को मतलब पीछे छोड़ देना, उससे आगे निकल जाना, ठीक है, किसी चीज़ को आप
किसी चीज़ से आगे निकल गया हो तो आपको क्या किया, उसको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो इलैप्स का मतलब ये भी होता है, और इलैप्स का मतलब एक वैनिश भी होता है, मतलब वैनिश का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। इलैप्स का एक मीनिंग होता है क्या, वैनिश करना यानी ख़त्म करना। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या, सीज्ड। सीज्ड का मतलब क्या होता है, सीज्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इलैप्स्ड का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, बॉन्टीफुल का मीनिंग क्या होगा, बॉन्टीफुल का मीनिंग होगा जेनरस। अब मैं थोड़ा आपको पहले जेनरस का मीनिंग बता देता हूँ, फिर बॉन्टीफुल को कैसे याद करना है बता देने को। जेनरस का मीनिंग क्या होता है, देखो जेनरस का मीनिंग होता है कोई भी इंसान जो बहुत ही दयालु हो और दूसरों के हित के बारे में सोचता है उसको हम बोलते हैं, काइंड एंड जेनरस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आदमी जो बहुत ही दयालु हो, काइंड हो और दूसरों के बारे में सोचता हो उसको हम जेनरस बोलते हैं। तो अब बॉन्टीफुल जिसको कैसे याद करना, देखो जिसका दिल साफ है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का भला करता है, उसका दिल कैसा होगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। वो कैसा पर्सन है, वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल और बॉन्टीफुल में थोड़ा जो आप कनेक्शन जोड़ के जेनरस को याद कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये वर्ड आप खुद भी रीड करके भी जो है इनको याद कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर आप पढ़ने के साथ साथ उन चीज़ों को किसी के थ्रू सुन ले तो वो जो है माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाती है। तो आप क्या करो, इस वीडियो को जो है 1.75 या 1.5 पर सेट करके इसको 2-3 बार सुन लो, और एक बार किरण की बुक से जो है आप इसको पढ़ लो, ठीक है। मोस्टली मैं क्या करता था करंट अफेयर में, कि करंट अफेयर तो मैं रीड तो करता था, लेकिन मैं साथ के साथ क्या करता था कि कोई भी वीडियो देख लेता था एक, तो उससे क्या होता मैं सुन के मुझे और थोड़ा वो मेरे माइंड में इस तरह बैठ जाता था कि मैं भूलता नहीं था, ठीक है। अगला करते हैं पैटर्न। अच्छा, यहाँ पैटर्न का असली मीनिंग होता है, पैटर्न का असली मीनिंग होता है कि कोई भी पर्सन, पैटर्न एक्चुअली एक नाउन है, ठीक है। तो पैटर्न आप कह सकते हो कि कोई भी एक पर्सन या कुछ लोगों का समूह या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो क्या करते हैं या क्या करता है कि किसी चीज़ को या किसी एक्टिविटी को वो जो है सपोर्ट करता है, और वो सपोर्ट किसके थ्रू होता है, पैसों के थ्रू, ठीक है। तो कोई पर्सन जब किसी एक्टिविटी को पैसे के थ्रू सपोर्ट करता है तो उसको हम कहते हैं पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न का अब यहाँ पे आपको अगर आप चारों ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर 2 ही बैठेगा, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर आप समझ, जैसे हम कुछ भी ऐड देखते हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ होती है वो एक स्पॉन्सर्ड होती है। तो स्पॉन्सर्ड कैसे होती है, ऐड वगैरह कैसे होते हैं, वो पैसे के थ्रू होती है, ठीक है। अगला बढ़ लेते हैं हम एग्जॉस्टिव। देखो एग्जॉस्टिव का हम एक मीनिंग और निकाल सकते हैं कि थक जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। जैसे हम मैं आज बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो अब एग्जॉस्ट को आप जो है यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कंप्लीट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि इसको कैसे याद कर सकते हो आप, देखो मैंने इतना काम किया कि जो मेरे शरीर की जो पूरी एनर्जी थी वो कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो गई है, वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद कर सकते हो। अगला वर्ड है रेडिकल। अच्छा, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल का मीनिंग जो होता है वो एक्चुअली में होता है पूरी तरह या एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एब्सोल्यूट। इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से मीनिंग बताऊंगा, तो एक्चुअली में इसका मीनिंग जो आपको साफ शब्दों में, मतलब बिल्कुल अगर मैं मुझे किसी छोटे बच्चे को भी समझाना हो तो मैं उस तरह आप ही आपको नहीं बता पा रहा हूँ इसका मीनिंग, ठीक है। तो इसको मैं अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। तो वैसे ये रेडिकल का मीनिंग वैसे कंप्लीट होता है तो, और एब्सोल्यूट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, अगला देखो कोएर्स। कोएर्स क्या होता है, कोएर्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम जब हम किसी से जबरदस्ती करवाते हैं, ठीक है, किसी को हम फोर्सफुली कोई काम करने पे मजबूर करते हैं उसको बोलते हैं अब, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर्स, ठीक है। तो जब भी कोई काम होता है वो हम पे जबरदस्ती थोपा जाता है या जबरदस्ती बाय बलपूर्वक हमसे करवाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कोएरेस, ठीक है। तो
तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशराइज, ठीक है, प्रेशराइज। अगला वर्ड है क्रोनिक। देखो क्रोनिक का एक्चुअली में जो आप क्रोनिक जो होता है इसको समय के साथ जोड़ा जाता है, क्रोनिक लंबे समय तक, जैसे आप कहते हैं क्रोनिकल डिजीज़, क्या मतलब क्रोनिकल डिजीज़, जैसे बहुत लंबे से चली आई है, या आप फिर कोई कोई क्वेश्चन देखा होगा किसी एग्जाम में कि इसको क्रोनिकल ऑर्डर में सेट करो, मतलब एक समय जो पहले हुआ है उसको पहले दूसरी, यानी क्रोनिकल को आप कह सकते हो एक समय से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब समय क्या होता है, कैसे आता है, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, परसिस्टेंट। अच्छा देखो, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, जो कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, चलता रहता है। तो मैंने आपको बताया क्रोनिक को आप किससे जोड़ सकते हो, समय के साथ। समय कैसा है, जो कभी नहीं रुकता है, और कभी नहीं रुकता है का मतलब परसिस्टेंट, अभी बताया मैंने, परसिस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं रुकता है, जो हमेशा चलता रहता है। तो समय क्या है, जो वो हमेशा चलता रहता है, यानी क्रोनिक का मीनिंग हो जाएगा परसिस्टेंट। अच्छा अगला है इनडेलिबल, ठीक है। इनडेलिबल का मीनिंग होता है, देखो इनडेलिबल का वैसे मैं आपको रियल मीनिंग पहले बता देता हूँ, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़, कोई धब्बा लगना जो मिटाया ना जा सके, जैसे एक शर्ट है उस पर खून का निशान पड़ गया, या कोई इंक का उसमें दाग लग गया है जो हम मिटा नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं इनडेलिबल। तो आप आंसर खुद ही कर सकते हो, इसका आंसर ईजी हो गया आपके लिए। क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपका, ऑप्शन नंबर थ्री जो है आपका आंसर हो जाएगा इन इरेजेबल, यानी जिसको हम मिटा नहीं सकते। लेकिन किसको नहीं मिटा सकते, एक दाग को या एक धब्बा जो लग जाता है उसको। अगला है ट्रम्प। ट्रम्प मतलब जैसे हम बोलते हैं जीत का विगुल बजाना, ठीक है, ट्रम्प का मीनिंग होता है जीत का विगुल बजाना। तो ट्रम्प मतलब जब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री सबको पता है जीत। तो ट्रम्प जो होता है जैसे हम जीत का बिगुल बजाते हैं, तो किसका बिगुल बजा रहे हैं, जीत का। तो ट्रम्प किससे एसोसिएट हो गया, विक्ट्री के साथ। अगला आप लेंगे गैरुलियस, ठीक है। गैरुलियस का मीनिंग क्या होता है, देखो गैरुलियस का मीनिंग होता है टॉकटिव, जो बहुत बोलता है। अब इसको आपने याद कैसे करना है, गैरुलियस किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं आप, किसके साथ, क्या एक आपको जो इसमें एक साउंड आ रहा है गर्ल का, ठीक है, गैरुलियस गर्ल, गर्ल्स क्या होती हैं, टॉकटिव होती हैं। तो गैरुलस को आप इस तरह याद कर सकते हो, टॉकटिव, ठीक है। अगला है, लास्ट वर्ड है टिल्ट। टिल्ट का मीनिंग जैसे ये तो बहुत इजी हो गया, टिल्ट का मीनिंग होता है जो चीज़ झुकी हो, ठीक है, वो इस तरह भी झुकी हो सकती है, वो इस तरह भी झुकी हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लांट। स्लांट का मतलब भी होता है झुका होना, यानी टिल्ट, ठीक है। तो ये थे आज के वोकैब के वर्ड, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कल फिर से हम मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये जो वीडियो है इसको दो तीन बार जो है 1.75 या 1.5 पे स्पीड पे सेट करके दो तीन बार सुने, और किरण की जो बुक है उसमें जो पेज नंबर 461 है उसमें ये वर्ड्स हैं, इनको आप जो है एक बार खुद भी रीड करना। तो इस तरह आपको जो है आपके वर्ड्स आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये भी वीडियो को एंड करते हैं, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।